हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस गाइस, जिस तरह बिग बॉस घर के अंदर विशाल के और कटारिया की दोस्ती चल रही है, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं तक घर के अंदर सना सुल्तान और साई केतन के बीच फ्रेंडशिप, दोस्ती, प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी चल रहा है। लेकिन एक आम और दो उसको खाने वाले लोग हैं घर के अंदर, क्योंकि सना सुल्तान के साथ साथ नेजी भी है जो कहीं ना कहीं तक अपनी दोस्ती को निभा रहा है अच्छे से। अब देखने की बात यह है कि जब भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी या नॉमिनेशन के दौरान जो लोग घर से बाहर निकलेंगे, उसमें नेजी, साई केतन में से किसको चुनने वाली है सना सुल्तान, क्योंकि सना सुल्तान के लिए एक बहुत बड़ा मोटो है, बहुत बड़ी बात हो रही है कि बिग बॉस घर के अंदर आखिर कौन सा वो शख्स है जिसको वो घर के अंदर रखेगी और किसको घर के अंदर बाहर निकालेगी। तो दोस्तों, जिस तरह से विशाल और कटारिया का जो दोस्ती का दायरा है वो घर के अंदर अदनान शेख के आने से बिगड़ चुका है, उनके बीच का जो माहौल है वो चेंज हो चुका है, उसी तरह अब देखने की बात यह है कि जब साई केतन और सना सुल्तान का अच्छा खासा चल रहा था दोस्ती का रिश्ता, उनके बीच में अच्छी दोस्ती है और अच्छी बातचीत है, वहीं उनकी दोस्ती के बीच अरमान मलिक ने अपना कदम रख दिया और आग लगा दिए और साई केतन को बोला है कि जब भी नेजी को और तेरे बीच चुनने की बारी आएगी, मतलब नेजी और साई केतन के बीच चुनने की बारी आएगी, तो कहीं ना कहीं तक सना सुल्तान नेजी को चुनेगी, ना कि साई केतन को। इसी बात को साई केतन ने जाकर सना सुल्तान के साथ क्लियर किया कि अगर अगला नॉमिनेशन का बार होगा या नॉमिनेशन किया जाएगा तो तुम किसको चुनोगी, मुझे यानी साई केतन को या फिर नेजी को। तो इस बात को सना सुल्तान ने सोचा और उसने बोला कि कहीं ना कहीं तक मुझे लग रहा था कि वो नेजी को चुनेगी, क्योंकि साई केतन की बात का जवाब देने पर उसने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि ये बोला कि साई जब पिछला टास्क हुआ था, उस टास्क के बाद जब नॉमिनेशन की बात आई थी, हम लोग बैठी कर रहे थे, तुमने ये कहा था कि अगर मेरे को नॉमिनेट करने की बारी आई तो मेरे को नॉमिनेट कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिग बॉस घर के अंदर जो लोग आए हैं तो उनमें से आखिर कोई ना कोई कहीं ना कहीं तक नॉमिनेट होकर घर तो रवाना होगा ही। अगर सब लोग बिग बॉस घर के अंदर रहेंगे तो आखिर कौन सा व्यक्ति है जो विनर चुना जाएगा। तो गाइस, देखी जाए तो ये जो दोस्ती का रिश्ता है बिग बॉस घर के अंदर, उन रिश्तों में कहीं ना कहीं तक खटास आ रही है, और खटास आने की जो वजह है वो है घर के अंदर तीसरे आदमी का मौजूद होना, क्योंकि एक रिश्ते में अगर कोई बाहर वाला थर्ड पर्सन ने एंट्री मारी है तो उस रिश्ते का ख़राब होना वाजिब है, चाहे वो विशाल और कटारिया के बीच का रिश्ता हो या सना सुल्तान और साई केतन के बीच का रिश्ता हो। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो साई केतन और सना सुल्तान का रिश्ता है, ये रिश्ता कौन सा मोड़ लेने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि साई केतन को जैसे मक्खी की तरह इस रिश्ते से बाहर फेंका जाएगा, वहीं पर कटारिया को उस रिश्ते में उसको बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि इन दोस्ती के बीच जो थर्ड अंपायर है वो कहीं ना कहीं तक आ गया है। अगर विशाल और कटारिया की बात की जाए तो उनके बीच जो थर्ड अंपायर था वो अदनान शेख आया है, और उसने घर में आते ही आग लगाने का जो काम है वो शुरू कर दी करा है। कहीं ना कहीं तक उसने आते ही अंदर बोला है कि जो कटारिया है उसने जो तेरे बारे में स्टेटमेंट दिया था अरमान मल्लिक को, ससद बिग बॉस को, तो वो स्टेटमेंट के चलते ही बिग बॉस ने नतीजे पर पहुंचे थे, तो वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं तक गलत था, क्योंकि कटारिया जब तेरा दोस्त है तो उसने तेरे बारे में स्टैंड क्यों नहीं लिया, तेरे पक्ष में क्यों नहीं खड़ा रहा। चाहे दोस्ती का मतलब ये है, चाहे दोस्त कितना भी गलत हो चाहे सही हो, लेकिन उसके पक्ष में खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बयान दिया अदनान शेख ने, ऐसी बात डाली अदनान शेख ने विशाल के जहन में। भाई, अरमान मलिक का कहना है कि अगर सना सुल्तान को कल मौका मिलेगा नॉमिनेट करने का या घर से बाहर निकालने का, तो वो कहीं ना कहीं तक साई केतन का नाम लेगी, उसको घर के बाहर निकालेगी। तो यहाँ पर आग लगाने का काम करा है अरमान मलिक ने, एक सक्का बीज डाल दिया है जो है साई केतन के अंदर। अब साई केतन और साथ साथ कटारिया दो ऐसे शख्स घर के अंदर हैं जो दोस्ती का रिश्ता तो रख रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कौन सा बंदा हमें कब दगा दे देगा और हमारी दोस्ती कब सक्सेसफुल होने वाली है। तो गाइस, वीकेंड के बाहर है, तो वीकेंड के बाहर में आज हमें चलने वाला है पता, क्योंकि संडे को होता है इवेक्शन एलिमिनेशन, तो यहाँ से जो व्यक्ति घर के बाहर जाएगा तो वहाँ पर चलेगा पता कि साथ किसकी कितनी दोस्ती होने वाली है, क्योंकि अरमान मलिक का कहना है
कि सना सुल्तान पलटेगी। भाई अदनान का कहना है कि कटारिया पलटेगा। तो अब देखने की बात तो ये दोस्तों कि आखिर इनमें से कौन सा शख्स पलटेगा, या कटारिया या फिर सना सुल्तान। तो गाइस ये तो देखने को मिलेगा हमें अगली वीडियो के दौरान, क्योंकि अभी वीकेंड की बार है। तो वीकेंड के बाद हम आज ही देखेंगे कि आखिर किसकी पड़ेगी फटकार और किसको पड़ने वाली है इन कपूर की डांट। क्योंकि घर के अंदर का जो माहौल अभी तक चला है, कहीं ना कहीं तक उस माहौल के दौरान जो थर्ड अंपायर आया है, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, तो उसने घर के अंदर अभी तक गंदी मचाया है, कुछ ऐसा काम नहीं किया है और लोगों को भड़काने की बात, लड़ाई कराने की बात भाई की है घर के अंदर। क्योंकि वो जो बिग बॉस को देख के आया था बाहर से, उसी मुद्दे को लेकर बिग बॉस के अंदर अभी भी खड़ा है और उन्हीं बातों को लेकर कहीं ना कहीं तक बिग बॉस के अंदर विक्टिम कार्ड, एज अ विक्टिम कार्ड खेल रहा है। तो गाइस देखने की बात यह है कि आज उसको कितनी फटकार पड़ने वाली है। फटकार तो देखेंगे शाम को 9 बजे और मिलते हैं कल एक बेहतरीन वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।